तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्यानशंकर और आप देख रहे हैं ध्यानशंकर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं संकिसा। आज दोस्तों मैं आपको संकिसा के जितने भी बौद्ध टेम्पल हैं आपको मैं वो सारे दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, कंबोडिया वाले से, ठीक है। जैसे कंबोडियन बौद्धिस्ट टेम्पल संकिसा ये वाला है। जैसे देखिए अभी ये हम लोग बाहर खड़े हुए, फिर हम अंदर से आपको दिखा दें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है दोस्तों ये बुद्ध भगवान का, जो यहाँ पे संकिसा में है। जैसे चलिए अभी हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि क्या क्या खूबसूरती है इसकी। ये बाहर का इसका लुक है, बहुत ही देखने में अच्छा लगा। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अंशुल भैया जी तस्वीर ले रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी काम भी चल रहा है, काफ़ी नई मूर्तियाँ भी बन रही हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ ये आपको दिख रही हैं यहाँ पे नई बन रही हैं, पहले शायद ये नहीं थी, लेकिन अभी जो ये नई यहाँ पे बनाई गई हैं शायद। और कहते हैं ना कि धीमे 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 विकास होता रहता है, ऐसा बहुत ही शानदार। अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत है। तो जैसे कि ये देखिए आप, ये हमने थोड़ा आपको दिखाया पास से कि ये देखिए देखने में ऐसा लगता है यहाँ का। ये कंबोडिया वाला मंदिर है दोस्तों, ठीक है, जो ये कंबोडिया का है। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो हम लोग गए थे, बौद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, गए थे घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग बना लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है हमारा ये कंबोडिया का बौद्ध टेम्पल। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको देखिए अभी अंदर जाकर भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या है। देखिए बहुत, देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। देखिए बाहर का ये देखिए लुक है वो इस तरह का है। कुछ आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, जो इसकी जो डिज़ाइन की गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा शानदार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो एक डिज़ाइन की गई वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हर एक चीज़ को साइड में ध्यान रखते हुए डिज़ाइन की गई है। देखिए जो भी थी ये जो लैंग्वेज है ये हम लोग पढ़ तो नहीं पा रहे थे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कि पाली लैंग्वेज होगी ये, क्योंकि जो भी उनके उपदेश वगैरह थे शायद वो पाली भाषा में ही दिए गए थे, इस वजह से हमारे हिसाब से ये पाली हो गई लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और ये काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी ये देखिए, क्योंकि जो बाहर से जो विदेशी से लोग आते हैं वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, इस वजह से ये सारा बहुत सारा यहाँ पे रखा हुआ था सामान, जो लग भी रहा था कि विदेश देश हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रचलन है बौद्ध धर्म का, वहाँ से लोग आते हैं और लेकर आते हैं। जैसे अपना जापान हो गया, चाइना हुआ, कोरिया, ऐसे कुछ देश हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है बौद्ध धर्म का, और जो लोग मानते हैं बौद्ध भगवान को वो लोग, ऐसा मेरा मानना है कि लाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये जो डिज़ाइन की गई है हमें तो नहीं लगता है कि अपने यहाँ के जो कारीगर होंगे। यहाँ पे देखिए मैं भी था और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, हर एक चीज़ को हमने डिटेल्ड में देखा। देखकर यहाँ पर इतनी शांति दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे आपको इतनी शांति नहीं मिलेगी। बहुत भले ही यहाँ पर इतनी भीड़ थी लेकिन शांति बहुत ज़्यादा थी, सभी लोग शांत थे, कोई कतई भगदड़ नहीं, किसी बात का शोर शराबा नहीं। और यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को देख रहे थे बारीक से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंद्रेश, हर एक चीज़ को इंद्रेश देख रहा है कि वो भी सोच रहा है कि ये ऐसी क्या, जो ये आपको डिज़ाइन दिख रही है इसमें भी कुछ स्पेशल था दोस्तों, जो हालांकि हम लोग नहीं समझ पाए थे लेकिन कुछ ना कुछ उपदेश वगैरह लिखे हुए थे इनमें। जैसे कि आपको पता ही हुआ कि, और ये अंशुल भाई हमसे कुछ डिस्कस कर रहे थे कि ये देखिए हम लोग वैसे भी कभी टाइम नहीं मिलता घूमने का, तो हमने सोचा बौद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही है तो हम लोग फ्री भी थे, तो हमने सोचा चलिए संकिसा चलते हैं और कुछ खास देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि सभी लोग तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। फिर ये देखने के बाद हम लोग बाहर चले गए, और ये बगल में ये था दोस्तों स्तूप या स्तंभ कह लें, और यहाँ पर जो भंते बोले जाते हैं, जो बोलो आए हुए थे यहाँ पर उपदेश दे रहे थे, तो हम लोगों ने भी सुना, काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली दोस्तों। कहते हैं ना कि जो भी आपसे उम्र में बड़ा है उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक्स्ट्रा पता है आपसे, तो कुछ तो अच्छा आपको बताएगा। फिर ये सुनने के बाद हम लोग आगे चले, तो क्योंकि सभी मंदिर देखने थे इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। तो हमने, क्योंकि अभी तो ये हमने जो देखा है वो कंबोडिया का था केवल, यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर। अभी कंबोडिया का घुमाया, जाएंगे बर्मा का टेम्पल।